इनकी जमीन बचाने के लिए 1950 में एक एक्ट बनाया वक्फ बोर्ड और उसको इंप्लीमेंट किया 95 में। लगभग मेरे मित्रों हमारे केवल महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नाम पर 1,00,000 एकड़ जमीन है मेरे मित्रों। कितनी? 1,00,000 एकड़ जमीन। पुणे में 9,300 एकड़, नागपुर में 9,200 एकड़, नासिक में 8,400 एकड़, कोंडाना में 6,000 एकड़, अमरावती में 2,800 एकड़, संगली में 2,500 एकड़, ऐसे करके करके 1,00,000 एकड़ जमीन इन वक्फ बोर्ड वालों के पास है केवल महाराष्ट्र में मेरे मित्रों। अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करें मेरे मित्रों तो पूरे भारत में लगभग 18 एकड़ यानी 18,00,000 एकड़ जमीन एक डिफेंस के पास है, 12,00,000 एकड़ रेलवे के पास है और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 10,00,000 एकड़ जमीन है मेरे मित्रों पूरे भारत में। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे एकनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म किया जाए और जहां जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर हॉस्पिटल बनाया जाए हिंदुओं के लिए, जहां पर वक्फ बोर्ड का लैंड है वहां पर ये जगह इनके बाप की नहीं है मेरे मित्रों, ये जगह हमारी है, हिंदुस्तानियों की है और हिंदुओं की है मेरे मित्रों। अगर ये एक्ट खत्म नहीं हुआ, इस एक्ट को इतना मजबूत कर दिया गया, ये शेड आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है भारत का कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी सरकार इस जगह को नहीं बचा सकती, उतना स्ट्रॉन्गली उस एक्ट को बनाया गया है। लेकिन हमें सरकार को यह कहना है कि आप